नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज कैशपोर माइक्रो क्रेडिट संस्था द्वारा दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड शाखा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के सीईओ कौशल सिंह ने किया। इस आयोजन का मूल उद्देश्य था सदस्यों को आरबीआई की नई गाइडलाइन के बारे में बताना और उन्हें लोन देकर उनकी आर्थिक स्थिति, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। वहीं मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि राजीव कुमार यादव, समाज सेवी विशंबर यादव और थाना के एएसआई परशुराम झा भी मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। आज कैशपोर माइक्रो क्रेडिट संस्था द्वारा अपनी सदस्यों को वित्तीय जागरूकता और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई द्वारा जारी नई दिशा निर्देश के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कैशपोर हमेशा से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सदस्यों को वित्तीय सहायता के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं भी प्रदान करती है, जिससे अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। ये संस्था हर वर्ष ऐसे कार्यशाला का आयोजन करता है। इसके मुख्य अतिथि डिप्टी सीईओ श्री कौशल सिंह, आरएम श्री अरविंद कुमार पांडे, सीएचआईबी श्री राजवंशी प्रसाद, एआरओ यचिंद्र कुमार गोंड, आरएएम श्री अभिषेक कुमार सिंह, एचईएसएम श्री मनीष सिंह, बीएम श्री हरीश चंद्र, एएलएलएम विकास राहुल, राजकुमार लालू यादव और स्थानीय प्रमुख प्रतिनिधि राजीव कुमार यादव, थाना के एएसआई परशुराम, समाज सेवी विशंबर यादव और महिलाएं भी शामिल थीं। अलीनगर से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। अलीनगर ब्रांच से हूँ। मेरा गांव पहाड़ी बेला, मेरा नाम मणिमाला कुमारी। मैं पहाड़ी में जब 2017 में गए सर लोन देने के लिए, उसमें 25 आदमी के ग्रुप रहता था। 25 आदमी में सर लोग बोले जो दीदी सा सीखती है उसको हम चुनेंगे और उनको सीएचएफ के ट्रेनिंग देंगे, जिसमें 2 साल के ट्रेनिंग रहेगा और इसमें हर महीने 4 दिन का ट्रेनिंग रहेगा और 1 साल के बाद 1 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। उसमें हम लोग काम किए हैं। उसके बाद हम लोग मेरे विभाग में बहुत समस्या थे, बहुत गरीबी थे। इसमें काम करके हम लोग धीरे धीरे ऊपर हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग सभी दीदी को बताते हैं, जाते हैं और अपने घर में खुशहाली लाते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों भी मेरे तरह रहती, आप लोगों भी मेरे पोस्ट पे काम करती, इसीलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 2017 से मैं इस कैश फॉर क्रेडिट में जुड़ी हुई हूँ और हमारे इस कैश फॉर से जो है बहुत ही बहुत धन्यवाद है जो हमारे गांव आए और हमारी महिलाओं को हमारी अपनी जो समस्याओं को उसने समझा और ये कैश फॉर टैंक जो है हमारे गांव में अलीनगर में खुले और हमारी समस्याओं को उसने समझ बूझ करके इस ऋण देने के लिए जो है वो अब हुए। और आगे मैं कहना चाहती हूँ इस समूह से मैं ऋण लेने के बाद जो है एक छोटी मोटी दुकान खोली, उससे जो है और अभी बहुत बड़ी दुकान खोल के और हमारे जो है स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे 5 बाल बच्चे हैं, 4 बेटी और 1 बेटा, हम 7 परिवार से हैं और मैं जो है पैर लिख करके ग्रेजुएशन करके बेकार बैठी हुई थी। इस ऋण लेने के बाद जो है मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा सकती हूँ और अपनी भी स्थिति जो है सुधार सकती हूँ और हमारे बच्चे जो है अभी बहुत ही खुशहाल हैं। हमारे बड़ी बेटी
जो है पीएचडी कर चुकी है और एक बीए में है और एक जो है इंटर में है, एक छोटी आठवीं में है। और हमारे घर की घटना जो है बहुत ही खराब थी, बहुत ही स्थिति खराब थी। एक एक ये के लिए हम तरस रहे थे, जो काश मैं पक्के वाले घर में सोती और उसमें रहती, काश शौचालय में जाती, मगर हमारे बच्चे का ये नहीं था। जब से ये कैश को ऋण दिए और मैं ऋण पहले जो है 30,000 देती है, उसके बाद 50,000 देती है, फ्लेक्सी 30,000 देती है, उसके बाद हमारे अभी जो मैं ली हूँ वो जो है 2021 में वो 1,00,000 रुपये दिए हैं। उससे तो मैं अपना घर भी बनाई हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाई भी लगाई हूँ और अब स्थिति भी सुधारी हूँ। इसी के साथ जो है मैं अपनी बात विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम अभिता पाटिल, मैं धवारा दम सेंटर पंचायत से आई हूँ। हमारे सेंटर का नाम नंबर 8 नंबर सेंटर से आई हूँ। पहले ये कैस पर जब चला था उस टाइम में किसी को पता नहीं था कहाँ कहाँ क्या है नहीं। उस टाइम में हमें कहीं से ऊपर से नंबर पता चला कि अलीनगर ब्रांच में आई है, कैश बैंक है जो गरीब दीदी लोग को ऋण प्राप्त करवाती है। तो हम नंबर पर किए तो हम सब दीदी को भी इकट्ठा करवाए, उससे दीदी लोग 10 से 15 हुई, 15 से अभी हमारे 8 नंबर सेंटर में मात्र 25 दीदी अभी है। जिससे अभी पहले हम 30,000 का भी लोन लिए, 30 सधा के 50 लिए, 50 से 80 हुआ, अब हम 1,00,000 और 30,000 फ्लैक्सी लोन, 1,30,000 का अभी हम लोन भर रहे हैं। जिससे हमारे पहले दुकान छोटी मोटी थी, अब उसी लोन के जरिए हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और हम अभी हमारे घर में बहुत खुशहाल हैं। सबसे पहले तो एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कैस्पर के शाखा प्रबंधक, ये बताएंगे कि अपने बैंक द्वारा कैसे ये लोन प्रदान करते हैं, किस किस तरह के लोगों को लोन देते हैं और क्या क्या व्यवस्था है इनकी। इसी संबंध में इन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया, इस संबंध में सारी चीज़ें एडीबी न्यूज 7 को बताएंगे। अब अगली आवाज़ आपकी होगी कैस्पर के शाखा प्रबंधक की। जी नमस्कार, मैं कैस्पर से हरिश्चंद शाखा अलीनगर दरभंगा जिला से बोल रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम गरीब सदस्यों को लोन वितरण करते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार सभी सदस्यों को शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान कराते हैं, जिससे कि सदस्य स्वस्थ रहें और हमसे ऋण लेके आगे बढ़ें। हम यह चाहते हैं कि हमारी सभी सदस्य आगे बढ़ें और इनके बच्चे स्कूल जाएँ, पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक ना, जिससे इन सभी सदस्यों की गरीबी दूर हो। और मैं यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे कंपनी के सीईओ सर श्री कौशल सिंह यहां पे कार्यक्रम में हमारे आए हुए हैं। और मैं सभी बहनों को भी नमस्कार करता हूं और हम आरएम सर के भी नमस्कार करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम में इस यहां पे वर्कशॉप में आए हुए हैं और आरबीआई के सभी नियमों और गाइडलाइन को बताए हैं। और मैं सभी बहनों को यह बताना चाहता हूं कि इस कंपनी से ज़्यादा गरीब पैसा लेके ऋण लेके अपने गरीबी को दूर करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे पढ़ेंगे तो इन बहन जिलों का गरीबी दूर हो जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगा तो ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब बच्चे स्वस्थ रहें, मेरी यही सब बहनों से कामनाएं करते हैं। अब आगे आपके साथ जो हैं ये बताएंगे एरिया मैनेजर दिलीप जी बताएंगे अपने इस शाखा के बारे में। नमस्कार, मैं राजवंशी प्रसाद, हम इस एरिया के अलीनगर शाखा के एरिया चीफ हैं, जो क्लस्टर हेड इंपैक्ट एंड बिजनेस देखते हैं। हमारे एरिया में 6 ब्रांच है। हमारे कंपनी 26 वर्षों से कार्य कर रही है गरीब महिलाओं के बीच में, जो आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार छोटे छोटे ऋण के माध्यम से सदस्यों को ऋण देती है, जिसका गरीबी दूर हो, और स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती हैं जो शाखा पर जो गरीब महिलाएं जो जुड़ी हैं उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार में 6 लोग को 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा के 3 महीने के लिए सदस्यों को, बीमार सदस्यों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी रेखा से नीचे जो सदस्य हमारे जुड़ी हैं
उसके बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं, फीस जमा नहीं कर पाती हैं, उसके लिए हम लोग कोचिंग चलाते हैं जो जिससे कम फीस लिया जाता है हमारे कंपनी, उसके लिए टीचर की व्यवस्था और वहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था कंपनी उठाती है। और इसके बाद हमारी कंपनी में 677 शाखा है जिसमें 4,300 करोड़ रुपया छोटे छोटे एनजीएस के माध्यम से ऋण वितरण किया गया है, जिसका हेड ऑफिस बनारस है, जिसमें हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था इसमें डिप्टी सीओ सर कौशल सिंह उपस्थित हुए थे और सभी हमारे जितने केंद्र चलता है यहाँ पर केंद्र से सभी सेंट्रल लीडर को बुलाया गया था, उसको वहाँ पर जो प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों को ट्रेंड किया गया ये अपने केंद्र पर सभी सदस्यों को जागरूक करें और सभी सदस्यों को ये सुविधा मिलते रहे। धन्यवाद। एडीबी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए।